सब्सक्राइब कीजिए पल्स ऑफ टेक्निकल के चैनल को और घंटी के बटन को दबा दीजिए डेली कंप्यूटर मोबाइल के ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। दोस्तों आजकल हर कोई एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहा है, एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ तो करता है लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जो उनके बारे में आपको पता नहीं होता, कुछ ऐसी सीक्रेट कोड्स होते हैं उनके बारे में आपको पता नहीं होता, कुछ हिडन सेटिंग्स होती हैं, कुछ सीक्रेट कोड्स होते हैं उनके बारे में आपको पता नहीं होता। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी कोड्स और सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज़ करते हो, ठीक है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं सौरभ पाल, पाल साहब टेक्निकल से मैं आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज देख ही लेते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। दोस्तों बात करते हैं एक सीक्रेट कोड की। अगर सीक्रेट कोड को अगर आप डायल पैड पे डायल करते हो तो इस सीक्रेट कोड से आपको ये फायदा होगा, आपके फोन से जितनी भी आउटगोइंग कॉल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब आपके फोन से कोई भी कॉल नहीं लग सकती। आपके रिलेटिव्स में या कोई भी आपका फोन लेता है, आप नहीं चाहते वो आपके फोन से किसी भी नंबर पर कॉल करे या किसी से उल्टा सीधा कहे, आपका फ्रेंड्स होते हैं किसी कुछ भी कह देते हैं। अगर आप कभी कभी ऐसा होता है बच्चे को फोन दे देते हैं वो किसी पर भी कॉल कर देते हैं, तो इस डायल कोड से आपको ये फायदा होगा, कोई भी आउटगोइंग कॉल नहीं लग सकती, ठीक है। अब बात करते हैं ये डायल कोड क्या है। आपको सबसे पहले जाना डायल पे, आपको डायल करना #3-1#, जिस भी सिम से आप ब्लॉक करना चाहते हो आउटगोइंग कॉल्स, ठीक है। जैसे मैं 1 सिम से करना चाहता हूँ, सिम 1 से मैं डायल कर देता हूँ, तो इस तरीके से आपको शो होगा सर्विस हैज़ बीन डिसेबल्ड, मतलब कि आपकी आउटगोइंग कॉल बंद हो गई है। तो अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो के तौर पर, 1-99 पर जो जियो का नंबर है हेल्प नंबर, उस पर हम कॉल करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक कॉल एंड हो गई, मतलब कि आपकी आउटगोइंग कॉल्स बंद हो गई। अगर आप चाहते हो कुछ टाइम बाद जैसे आपके पास फ़ोन आया था, आप चाहते हो इसको डिसेबल करना, मतलब कि आप चाहते हो मेरी कॉल्स फिर से आउटगोइंग चालू हो जाए, ये सर्विस चालू हो जाए, तो आपको टाइप करना है *3-1#, फिर से आपको वो डायल कर देना है, ठीक। डायल करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो जिस हमारा सर्विस वर्ड अनेबल, मतलब कि आपकी कॉल्स अनेबल हो चुकी हैं, आप किसी पर भी फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। इस कोड से आपको ये फ़ायदा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी सेटिंग की। दूसरी सेटिंग के लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको जाना नीचे अकाउंट्स पर, अकाउंट्स एंड सिंक्स, सिंक पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो जीमेल आईडी हो वो आपको दिखने लग जाएगी इस तरीके से। जैसे कि मेरी ये आईडी है, आप कोई सी भी आईडी पर कर सकते हो, मेरे फ़ोन में तो 3-4 आईडियाँ आप कर सकते हो। इस तरीके से आपका शो हो जाएगा कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, जीमेल। इस सेटिंग से आपको ये फ़ायदा होगा, जो भी आपका फ़ोन का डाटा होता है, कैलेंडर होगा, कॉन्टैक्ट होगा, ड्राइव होगा, जीमेल होगा, ये सारे जितने भी मैंने टिक कर रखे हैं ये सारे आपकी जीमेल पर चली जाएंगी। इस सेटिंग से फ्रेंड्स आपको ये फ़ायदा होगा, बाय चांस आपका फ्यूचर में फ़ोन कभी भी खो जाता है या कुछ भी हो जाता है, फ़ोन आप नया लेते हो तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं वो आपके जीमेल में सिंक हो जाते हैं, मतलब कि सारे कॉन्टैक्ट या कैलेंडर जो भी है, जो आपकी डिटेल्स है वो सारे जीमेल पर चले जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, जब भी आप न्यू फ़ोन लेते हो या आपका फ़ोन खो जाता है, दूसरा फ़ोन लेते हो, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, उसमें जीमेल अपनी डालनी है, जो आईडी जो थी आपकी उसको ऑटो सिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ आप मेरा जैसे देख सकते हो ऑटो सिंक पर क्लिक है, ऑटो सिंक पर आप क्लिक कर देना। जैसे आप डिसेबल किसी को करना चाहते हो कर सकते हो, मैंने सारे ही अलाव कर रखे हैं, तो आपको जितने भी ये सिंक हो जाएगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट सिंक करने हैं तो आपको सबसे पहले जाना होगा कॉन्टैक्ट पर। जैसे मैं जाता हूँ डायल पैड पर और कॉन्टैक्ट पर चला जाता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ सेटिंग्स पर, ठीक है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आप देख सकते हो यार कॉपी कॉन्टैक्ट्स मैं कर देता हूँ, किससे, कॉपी फ्रॉम फ़ोन, मतलब कोई मुझे फ़ोन से करना है, किसमें, अपनी जीमेल पर, तो मैं क्लिक कर देता हूँ कॉपी फ्रॉम फ़ोन, और जो भी कॉन्टैक्ट है आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उनको कॉपी पर क्लिक कर दीजिए। और किस पर आपको करना है, जो आपको जिस आईडी पे आपको कॉपी करना है उस पर आईडी पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मेरी आईडी है, मैं इस पर करना चाहता हूँ saurabh.pal8057@gmail.com पर, इस पर करता हूँ तो मेरे जो भी ये कॉन्टैक्ट मैंने सिलेक्ट करे हैं वो मेरे जीमेल आईडी पर चले जाएंगे। इससे ये होगा जब भी मैं फ़ोन दूसरा फ़ोन लेता हूँ तो उसमें सिंक करता हूँ तो उसमें ये आ जाएंगे, ठीक है। ये होगा दूसरी सेटिंग। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरी सेटिंग की। तीसरी सेटिंग से ये है, आपके फ़ोन में ऐसा होता है नोटिफिकेशन आते हैं अलग अलग एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सअप के, फेसबुक के, क्रोम के, ज़्यादातर आपके क्रोम के नोटिफिकेशन परेशान करते हैं, उस नोटिफिकेशन को आपको बंद कैसे करना है, तो आपके लिए उसको लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद आप देख सकते हो आता है ये नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आता है ऐप नोटिफिकेशन मैनेजमेंट,
इस पर आपको क्लिक करने के बाद ये सारे ऐप्स आ जाते हैं, जिस किसी भी ऐप का आपको नोटिफिकेशन ऑफ़ करना होगा तो आप ऑफ़ कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा क्रोम में जो नोटिफिकेशन आते हैं बहुत परेशान कर देते हैं मुझे, क्रोम का मुझे नोटिफिकेशन ऑफ़ करना, सिंपल आपको क्लिक कर देना, ये नोटिफिकेशन ऑफ़ हो जाएंगे, टैटा टू टू टाटा की आवाज़ नहीं आएगी आपके फ़ोन में और कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सी जब जगह हम होते हैं मीटिंग में होते हैं कभी ऐसी क्लासेस में होते हैं और नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने क्रोम के अपने नोटिफिकेशन बंद कर दिया, अगर मैं किसी की चाहता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ फ्लिपकार्ट का अगर नोटिफिकेशन बंद करना तो यहाँ से कर सकता हूँ तो कोई भी आवाज़ नहीं आएगी फालतू के। जो आपके सिंपल व्हाट्सअप के फेसबुक के होते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं बस उसके ऑन रखिए और बाकी के जो आपको डिस्टर्बेंस लगते हैं उनके ऑफ कर दीजिए। जैसे कि मोस्ट डिस्टर्बेंस लगता है मुझे क्रोम, इसके नोटिफिकेशन बहुत आते रहते हैं, ठीक है इसको ऑफ़ कर देना अगर आपकी मर्ज़ी है तो, नहीं तो मर्ज़ी आपकी है मत करना, आपका फ़ोन है, ठीक है। यही थी कुछ सेटिंग दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में नई टिक के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखें, रोज लो मोज लो, ना मिले तो खोज लो। जय हिंद, वंदे मातरम।